हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बबल स्टिच बताने वाली हूँ। ये 3D स्टिच है, ये देखिए बहुत प्यारा लगता है ये 3D डिज़ाइन। इसे आप स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी में भी बना सकते हैं, बहुत इजी होता है बनाने में। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। इस तरह से नॉट लगा के इसमें क्रोशिया हुक को फंसा के सबसे पहले हम बेसिक चेन बनाएंगे। हमें चेन का हिसाब इस तरह से लेना है कि हमें जितनी भी चेन चाहिए होती है पहले हम उतनी चेन बना लेते हैं। तो यहाँ मुझे 40 चेन चाहिए, तो मैंने 40 चेन यहाँ पे बना ली है। ये देखिए, ये मेरा 40 नंबर का फंदा है, ठीक है। इसके बाद मैं दो एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी। ये जो दो एक्स्ट्रा चेन है ना, ये एक तरह से हमारी एक डबल क्रोशिया होती है 40 नंबर के इस वाले के ऊपर। तो अब हमें ये तीनों फंदों को यहाँ से छोड़ के, और जो 39 नंबर का फंदा है यानी कि ऊपर से 4th नंबर की चेन में, हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी होगी। तो देखिए, ये जो तीन चेन है जो साइड की, ये हमारा एक फंदा हो गया मिलके 40 नंबर की चेन का, ठीक है। इसके बाद हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास टोटल 40 फंदे बचेंगे। ये देखिए 40 डबल क्रोशिया है मेरे पास। इसके बाद मैं एक चेन लेके इसको पलट लूँगी, और पलटने के बाद पहली ही चेन से इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया निकालूंगी। इसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया निकालूंगी। दो सिंगल क्रोशिया निकाल ली मैंने। अब ये जो तीसरे नंबर की चेन है, इसमें मैं एक इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह बुनाई करूंगी, लेकिन इसे सिर्फ इतना ही निकालूंगी, पूरा नहीं निकालना, ठीक है। और इसके बाद फिर से मैं इसी में फिर से डालूंगी, और फिर से सिर्फ आगे के दो फंदे ही निकालूंगी। तो यहाँ मेरे पास तीन फंदे हो गए। फिर से इसमें डालूंगी इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह, और सिर्फ दो फंदे निकालूंगी। यहाँ पे चार फंदे हो गए, और यहाँ पे मेरे पांच फंदे हो गए चार डबल क्रोशिया निकालने के बाद। और यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया मैंने आधी आधी निकाली है, पूरी तरह से इन डबल क्रोशिया को नहीं निकाला है। इस तरह से पांच डबल क्रोशिया निकालने के बाद इसमें छः फंदे मेरे पास बचे हैं, क्योंकि एक फंदा पहले का होता है। तो अब हमें इनको साथ में निकाल देना है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने पाँच अधूरी डबल क्रोशिया थी मेरी, पूरी नहीं निकाली थी मैंने। और इसके बाद अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक बबल बन गया इस तरह से, ये उभरा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद मैं फिर से एक सिंगल क्रोशिया निकालूंगी, दो सिंगल क्रोशिया होगी मेरे पास, और अब ये तीसरी। तीन सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद मैं फिर से एक बबल बनाऊँगी अगली चेन में। तो इस तरह से आधी डबल क्रोशिया ही मैं निकालूंगी इस तरह से, फिर एक और डबल क्रोशिया, उसको भी पूरा नहीं निकालूंगी। फिर एक और डबल क्रोशिया, उसको भी पूरा नहीं निकालूंगी। सिर्फ आगे के दो दो फंदे ही हमें निकालने हैं हर बारी। इस तरह से हमें पांच डबल क्रोशिया इस तरह से भर लेंगे, तो इसमें छह फंदे हो जाएंगे, और फिर उन सबको साथ में निकाल देंगे इस तरह से। ये छः फंदे निकालने के बाद अगली चेन में कोई भी चेन छोड़नी नहीं है, जस्ट बिल्कुल अगले वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया निकालनी है। तो देखिए, दूसरा बबल भी मेरा तैयार हो गया। इसके बाद दो सिंगल क्रोशिया और निकालूंगी। टोटल तीन सिंगल क्रोशिया हर बारी हमें निकालनी होती है। तो एक पहले निकाली थी, दो अब निकाली। इसके बाद मैं फिर से अगली चेन में इसी तरह से पांच डबल क्रोशिया को साथ में लेके बुन लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे भी मेरा एक बबल बन जाएगा। इसी तरह से तीन तीन सिंगल क्रोशिया के बाद पांच डबल क्रोशिया को साथ में बुनने से एक ही चेन में इस तरह से मेरे बबल बनते चले जाएंगे। और इसी तरह से मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी अपनी। देखिए, तीन सिंगल क्रोशिया के बाद फिर मैं एक बबल बनाऊँगी। इस तरह से पूरी लाइन कंप्लीट होते हुए यहाँ मैं लास्ट में पहुँच गई। दो फंदे बचे हैं मेरे पास। ये देखिए, यहाँ मैंने तीन सिंगल क्रोशिया ले ली हैं। अब इसके बाद मुझे एक बबल बनाना है अगली चेन में। तो यहाँ पे इस वाली चेन में, सेकंड लास्ट चेन में, मैं एक बबल बनाऊँगी फिर से, साथ में डबल क्रोशिया लूँगी इस तरह से बिना कंप्लीट किए। पांच डबल क्रोशिया मैं साथ में ले लूँगी एक ही चेन में, और इनको साथ में निकाल दूँगी। इसके बाद ये देखिए, ये जो दो चेन थी ना, हमने जो स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा चेन ली थी उसे एक फंदे की तरह काउंट किया था, तो उसके ऊपर भी हमें हर बार एक फंदा ज़रूर निकालना है। तो मैंने एक सिंगल क्रोशिया लास्ट में निकाल ली है, और ये राउंड मेरा यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद तीन चेन लेके हम अपनी दूसरी राउंड को कम्प्लीट करेंगे। ये तीन चेन मेरा पहला फंदा हो गया पहली चेन का, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर हमारा एक बबल था, तो इसके जो सबसे ऊपर वाली चेन है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है ना, इस चेन में इस तरह से हम क्रोशिया को डालेंगे
और एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, क्योंकि हम एक ही चेन में ये बबल बना रहे हैं ना, तो हमें इसमें से एक ही चेन में बुनाई करनी होगी एक ही फंदे की। ठीक है, इस तरह से हर बबल के ऊपर हमें एक फंदा निकालना होगा, और ये जो बीच में तीन सिंगल क्रोशिया थी इन तीनों के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। फिर से देखिए, मैं तीन सिंगल क्रोशिया के ऊपर निकालने के बाद बबल पे आई, और यहाँ पे मैंने ऊपर वाली चेन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया निकाल ली। इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें फिर से मैं डबल क्रोशिया निकाल लूँगी तीनों सिंगल क्रोशिया में, और इसी तरह से बुनते हुए मैं ये राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, थर्ड राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया, फिर कंप्लीट कर रही हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से हमने उठाना है सिर्फ ऊपर की चेन को बबल के ऊपर, और एक फंदा निकाल लेना। इसी तरह से ये तीसरा राउंड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, तीन राउंड कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहे हैं मेरे बबल्स। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चेन लेके इसे पलट लूँगी, और यहाँ पे स्टार्टिंग की पहली चेन से ही हम एक सिंगल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ दो सिंगल क्रोशिया के बाद मैंने एक बबल बनाया था, अब यहाँ पे हमें इसके बीच बीच में बबल बनाने हैं। ये जो हमने नीचे बबल्स बनाए इसके बीच बीच में, तो यहाँ पे मुझे चार सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद एक बबल बनाना होगा। तो ये तीन और ये चार, चार सिंगल क्रोशिया निकाल दी मैंने, तो यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा, दोनों बबल्स के बीच में ये वाला बबल्स। इसके बाद यहाँ पे इस चेन में, पांचवे नंबर की चेन में, मैं फिर से उसी तरह से पूरी बिना ख़त्म करे पांच डबल क्रोशिया एक साथ बुन लूँगी। सिर्फ हर बार आगे के दो फंदे ही निकालूंगी, जैसे हमने दूसरी लाइन में किया था। और इस तरह से छह फंदे हो जाने के बाद इनको साथ में निकाल के और अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया ले लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे इसके बीच में हमारा बबल बन गया। इसके बाद बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले बुना था, दो सिंगल क्रोशिया और लेंगे, टोटल तीन सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। और फिर से अगले फंदे में मैं एक बबल बना लूँगी, पांच डबल क्रोशिया को इस तरह से साथ में लेके, सिर्फ आगे के दो दो फंदे ही निकालने हैं हर बार हमें डबल क्रोशिया के, पूरी नहीं निकालनी है इस तरह से। और जैसे ही क्रोशिया में छह फंदे हो जाए इनको साथ में इस तरह से निकाल दें, और फिर अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया ले लें। तो इस तरह से ये वाला राउंड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, इसके बीच में बिल्कुल बबल आया है मेरा। अब फिर से दो सिंगल क्रोशिया और निकालूंगी, टोटल तीन सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी यहाँ पे मेरी। और ये राउंड मैंने यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट किया है। और ये लास्ट में आप ये जो दो टर्निंग चेन है इसके ऊपर एक फंदा लेना ना भूलें। तो इसके ऊपर भी मैंने एक सिंगल क्रोशिया निकाल ली है। इसके बाद तीन चेन लेके इसको पलट लेंगे, और अब हम पहले वाली चेन को छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो तीन चेन ली वो पहला फंदा हो गया। सेकेंड वाले फंदे में चेन में एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, और फिर थर्ड में भी, और फिर ये जो बबल है हमारा इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, फिर से हम जैसे हमने थर्ड राउंड बनाया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इस फिफ्थ राउंड में भी हम डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम ऊपर से सिर्फ चेन को उठा के एक और इस तरह से हम बुनाई करेंगे, और इसको ऊपर बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, मैंने 10 नीचे बबल बनाए हैं, फिर उसके बीच बीच में हमने बनाए हैं, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 9 बबल बने हैं 40 फंदों में, क्योंकि यहाँ लास्ट में एक बबल नहीं बना है, क्योंकि हमने चार चेन के बाद स्टार्ट किया था ना, इसलिए। इसी तरह से हम इसको ऊपर तक बुनते हुए चले जाएंगे। तो इसके कुछ राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे मैंने 12 राउंड कंप्लीट किए हैं, तो मेरे पास 6 बबल की लाइन बन गई है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको किसी भी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी में भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।